जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विद्यानंद एंड आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रही होगी एंड आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही होगी। तो गाइस, आज की जो जॉब ओपनिंग है वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अमेज़ॉन में काम करने के लिए। अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँ गाइस, तो ये काफ़ी सिंपल होने वाला है। यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है कि अमेज़ॉन पे जो भी सेलर्स ऑनबोर्डेड हैं, जो भी सेलर्स रजिस्टर्ड हैं, उनको आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। यानी कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहने वाली है वो सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट की रहने वाली है एंड ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है गाइज। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि तो हम आगे बात करने वाले हैं कि इस जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई कैसे करना है, कितनी सैलरी होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइज़। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हम अमेज़ॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं और यहाँ से आपको जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले गाइज, हम लोग जान लेते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको करना क्या होगा। तो बेसिकली गाइज, आपकी जो जॉब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, द सेलर सपोर्ट एसोसिएट डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड ओनरशिप ऑफ एवरी सेलर इंट्रैक्शन कपल्ड विद प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सपोर्ट टू सेलर। बेसिकली गाइज, इनका कहना क्या है, ये जो पूरा इन्होंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे डाला है, एक मैं इनको इसको ब्रीफ में आपको बता दूं, तो यहाँ पे जो भी सेलर का किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है उसको, चाहे वो पेमेंट के रिलेटेड हो, किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड हो, लिस्टिंग के रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हो, वो सारा चीज़ आपको सॉल्व करना है गाइस, ठीक है। तो और वो आपको चैट पे या फ़ोन पे या ईमेल पे, ये तीनों चीज़ पे सॉल्व करना है। तो बेसिक यही है कि यानी आपको सेलर का जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको सॉर्ट आउट करना है। इसीलिए गाइज, इसका जो प्रोफाइल नेम है वो भी लिखा है सेलर पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट, सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट, ठीक है गाइज। तो अब हम चलते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं गाइज। तो यहाँ पे जो इन्होंने क्वालिफिकेशंस डाला है गाइज, एजुकेशन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 0 to 100 ईयर्स ऑफ 0 to 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आप अगर फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरा गाइज, यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली है वो एक्सीलेंट रिटेन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, यहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे स्पीकिंग हो या फिर रिटेन हो, उस पर आपको अच्छी कमांड रहना चाहिए। आपको लिखने भी अच्छा आना चाहिए और बोलने भी अच्छा आना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्लुएंट आना चाहिए, बट अगर आप मोर देन एवरेज हो, एबव देन एवरेज हो, तो आप काम कर सकते हो, काम चला सकते हो, फिर धीरे धीरे ये आप में इवॉल्व हो जाएगा। शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ गाइज, तो यहाँ पे इन्होंने 24/7 इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट एंड द शिफ्ट्स आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो गाइज, यहाँ पे 24/7 में से कभी भी आपको 8 घंटे का शिफ्ट मिल जाएगा और ये पहले से ही प्री डिसाइडेड होगा। ऐसा नहीं कि आपको अचानक बता दिया जाएगा कि आपको अभी करना है, ये आप ऑब्वियसली प्री डिसाइडेड होगा। बट हाँ, कभी नाइट शिफ्ट रह सकता है, कभी इवनिंग शिफ्ट रह सकता है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट भी रह सकता है। तो गाइज, इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। वीकली ऑफ की अगर मैं बात करूँ गाइज, तो रोटेशनल टू कंजिक्यूटिव डे ऑफ, यानी कि आपको एक सप्ताह में 7 दिन में 5 दिन ही काम करना है और 2 लगातार दिन ऑफ रहेगी। वो कब रहेगी वो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है गाइज, ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ ट्रेनिंग नो अनप्लान लीव्स आर अलाउड, मतलब आप अचानक से लीव नहीं ले सकते हैं। जो इनका लीव है या फिर अगर आप लीव के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, आपको अप्रूवल आ जाता है, देन फिर आप ले सकते हैं लीव। तीसरा गाइज, एबिलिटी टू यूज अ डेस्कटॉप लैपटॉप एंड फैमिलियरिटी विथ इंटरनेट ब्राउजर्स विंडोज, यानी कि आपको कंप्यूटर बेसिकली आना चाहिए, इंटरनेट चलाने आना चाहिए, एमएस ऑफिस चलाना चाहिए। होम का इन्वायरमेंट गाइज नॉइज फ्री होना चाहिए, बैकग्राउंड और इंटरनेट आपके पास होना चाहिए एक दो, कि अगर सपोज की करिए एक शटडाउन भी हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो दूसरा आपके रेडी रहना चाहिए, ठीक है। शुड हैव एक्सेस टू द मोबाइल फोन एट ऑल टाइम्स फ्रॉम अ रिलायबल प्रोवाइडर, शुड हैव पावर बैकअप इन केस ऑफ पावर शटडाउन, करेक्ट
कैंडिडेट्स हु आर बेस्ड इन बेंगलोर शुड अप्लाई। तो इन्होंने तो ऐसे ही लिख दिया, बेसिकली ये वर्क फ्रॉम होम है तो कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मे बी ये बेंगलोर वालों को ज़्यादा प्रीफर दे, तो ऐसा कुछ ये नहीं है। तो ये है गाइज, अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं और जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए गाइज यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं कि कहीं से भी मैंने, यहाँ पे बेसिकली आप सिंपली अदर डाल दीजिए, अदर्स में भी यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल रहा है तो अदर मत डालिए, सोशल मीडिया आप डाल दीजिए। सोशल मीडिया डाल के देन आप गूगल डाल दीजिए यहाँ से हम लोग। अब गाइज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आप अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये दोनों जहाँ पर भी आपको ये रेड स्टार दिख रहा है यानी कि मैंडेटरी इस फील्ड को खाली नहीं छोड़ना। और अल्टरनेट मोबाइल नंबर तो गाइज आप जरूर डालिए, ठीक है, इसको कभी खाली मत छोड़िए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है गाइज, जेंडर डालना है, सिटीजनशिप में आप यहाँ पे इंडिया डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको, आपके पास अगर किसी तरह का डिसेबिलिटी है तो आप येस कर सकते हैं, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है। फुल एड्रेस आप यहाँ पे गाइज डाल दीजिए, अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे डाल दीजिए, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रहेगी वो ग्रेजुएशन रहेगी, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे ग्रेजुएशन खोजा जा रहा है। ईयर ऑफ पासिंग आप जो भी डाल सकते हैं गाइज, एजुकेशन टाइप आपकी क्या है, किस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, साइंस, अदर्स, जो भी आपका है वो आप डाल दीजिए। एक्सपीरियंस डिटेल गाइज यहाँ पे आपके पास कितने मंथ का एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आप जीरो डाल सकते, इसको खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ पे आप सिंपली जीरो डाल सकते हैं। ओके, करेंटली अगर कहीं वर्किंग कर रहे हैं आप गाइज तो यहाँ पे यस डाल सकते हैं, अगर नहीं कर रहे तो नो डाल सकते हैं। नोटिस पीरियड कितने दिन के आपके कंपनी में होता है, अगर आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे कैन इमीडिएटली ज्वाइन, वो जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर फ्रेशर्स के लिए होता है कैन इमीडिएटली ज्वाइन, बट अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप मिनिमम 10 से 15 दिन का आपको नोटिस पीरियड यहाँ पर सर्व करना रहता है। करेंट या फिर लास्ट एम्प्लॉयर गाइज, अभी आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर आपने कहीं लास्ट काम किया था तो उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना, और करेंट सैलरी या फिर लास्ट जो भी आपने सैलरी विड्रॉ की है, जो भी सैलरी आपको मिली है वो यहाँ पे नंबर्स में डालना है। ओके, ये है गाइज, यहाँ पे लिखा गया है डू यू हैव एनी एक्टिव या करेंट बैकलॉग्स, तो यहाँ पे आपके पास अगर किसी तरह का बैकलॉग है तो यस या नो आप कर सकते हैं। इसमें गाइज देखिए कि आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, यहाँ पे गाइज आपको येस करना है, यहाँ पे नो नहीं करना है, यहाँ पे बस आपका टेम्परामेंट चेक किया जाता है, आपकी मेंटेलिटी चेक की जाती है, तो यहाँ पे आपको गाइज येस करना है। आर यू विलिंग टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट एंड वीक ऑफ्स, इज देयर इज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो अभी यहाँ पे भी गाइज आपको येस करना है, इसमें किसी तरह का आपको चेंज नहीं करना है। आर यू विलिंग टू रिलोकेट टू द लोकेशन मेंशनड इन द रिस्पेक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शन, तो गाइज यहाँ पे भी आपको सिंपली येस करना है, यहाँ पे भी आपको नो नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, आर यू विलिंग टू बी अ जॉब डेट मे रिक्वायर इंटरेक्टिंग विथ कस्टमर्स वाया टेलीफोन और ईमेल, यस यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, अगर आपका आधार है तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। अगर नहीं है आधार तो गाइज सबके पास है तो यहाँ पे आपको डालना ही है। आपने कभी पहले अमेजोन में काम किया है गाइज, अगर आपने काम किया है तो यस करना है, अगर काम नहीं किया तो नो करना है। करेंटली वर्किंग विथ अमेजोन, तो यहाँ पे गाइज आई होप कि आप लोग नो ही करेंगे। अब यहाँ पे गाइज आता है डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको सीवी अपलोड करना है, और सीवी अपलोड के लिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपके पास एक बढ़िया और पावरफुल सीवी होना चाहिए, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे सिंपली अपलोड कर दीजिए, और कोशिश कीजिए गाइज कि वो सीवी पीडीएफ में हो, डॉक्यूमेंट में या फिर वर्ड फाइल में अपलोड करने से बचिए, उसका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। और अगर आपको रेज्यूमे में किसी तरह का हेल्प चाहिए कि किस टाइप का रेज्यूमे बनाना चाहिए, कितना अच्छा रेज्यूमे बनाना चाहिए, क्या क्या कंटेंट उसमें डालना चाहिए, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और आई बटन में भी आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं और एक अच्छा और पावरफुल रेज्यूमे बना सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज, यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज ऑफिशियल और प्रोफेशनल फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, जो कि हम लोग स्कूल कॉलेज वगैरह में लगाते थे, ऐसा नहीं कि आप मतलब सोशल मीडिया टाइप की यहाँ पे फोटो अपलोड कर दो, तो उससे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। देन गाइज यहाँ पे बाई क्लिकिंग दिस चेकबॉक्स एंड यहाँ पे आप सिंपली सबमिट करके, जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके मेल पे एक कन्फर्मेशन आ जाता है डैट यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस जॉब, और फिर आप वेट करिए और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, जब भी आपको कॉल आता है तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहिएगा। तो ये थी आज की जॉब ओपनिंग, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।